जी गल भी कर लगा सी भी जिहड़ा भी बंदा इस राह ते तुरदा है ना इदां कहिंदा भी मेरा विकास हो गया, मेरी तरक्की हो गई, मैं अपग्रेड हो गया, इनिशियली अपने फायदे लिए तुरदा है। बहुत घट बंदे होणगे जिहड़े कुछ देण लिए तुरदे होणगे कि मेरे को है कुछ, मैं इनपुट पाउणी पहुँचाउणा, मैं चाहुंदा कि जिहड़ा माहौल आ गुरु साहिब दा नां चमके। जदों वह होया ना थोड़े अंदर, फिर थोड़ा भुख प्यास तकलीफ कट्टना बढ़ना कोई चीज़ थोड़ू डला नहीं सकूगी, कोई हरा नहीं सकूगी। जो तुम मशहूरी लिए तुरते हैं, फायदे लिए तुरते हैं, ठीक है। हम बंदा मान लो कनेडा गया, कनेडा जाके उन्होंने जाके पता लग गया भी इदा रिफ्यूजी केस मुजहरा करने इदा लग जाते हैं, है ना। वो जाके बहुत चढ़ के बोलता, गाला ज्यादा कढ़ता, इदा साढ़े ना बहुत बंदे आते इदा, मैं जी नाल आ, मैं तो कोई परवाह नहीं जी, इदा नहीं डरदा नहीं, मरना ही आ एक दिन, दुनिया इदा ही हूँ। कि तो दो चार महीने बाद इदा थोड़ा जहा लगता भी अच्छा कानून बदलिया भी इतने भी इदा सद हो सकता, बार कुछ हो सकता, जो नहीं होया फिर वह सारी हवा निकल जाती। इदा ही उधर उधर भी इदा दे ही आ। हाँ जे थोड़ा अपना मिशन होया, अपने थोड़े अंदर चाह होया बिना स्वार्थ तो, और होया कुछ देण दे, अपने वालों कुछ करन दे इरादे नाल, फिर वह जिहड़ी मोटीवेशन आ ना वह इदा इदा अपने आप दे विच बदनी कटनी नहीं है, ठीक है। स्टेबल रहना तुसी और हमेशा स्टेबल रहना, ठीक है। जिते गुरु साहब कहिंदे ना भी हरख सोग ते रहे न्यारा, कभू ऊब चढ़त है कभू अंजाई पैर ले, इदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ मिल गया तो बंदा एन आसमान टाकियां लाने लग पाया, ठीक है। जदों जदों इदा कुछ माड़ जा नुकसान हो गया फिर कीरने पाने शुरू कर दिते, नहीं इदा नहीं होगा, क्योंकि वो मिलना जां नुकसान होना वह मेरा अपनी जिम्मेवारी के उत्ते डिपेंड करता, हालातों के उत्ते डिपेंड करता। किसी कोलों ब्याज बढ़ गया, कीमत बढ़ गई, ठीक है, कोई चीज़ लई कुछ इनवैसट किया कीमत घट गई, ठीक है, थानू नुकसान हो गया, वह समाज के चलता रहा है, ऊंच नीच होंगी रही है, ठीक है। जिहड़ा गुरु साहब नाल प्यार आ ना थोड़ा, जिहड़ा इश्क आ थोड़ा, जिहड़ा थोड़े अंदर वह ख्याल आ कि मैं वो जीवन जी के देखना और वो अपनी जिहड़ी भावना थोड़ी, जिहड़ा अपना सिदक है थोड़ा, उन्हों फिर समाज दियां संसार दियां नज़रां नाल तोलिया नहीं जा सकता। और सब तो भैड़ी हालत उन्हां दी हुंदी है जिहड़े दोहां दे विचों बेस्ट पाड़दे है, वो बड़े डामाडोल हुंदे है, वो बड़े दुखी हुंदे है, जिन्हों ये लगता है कि इदा इदा गुरु साहब की गल हो उत्थे भी मैं मोरली कतार दे विच खड़ा होवां, जो संसारियां की गल हो उत्थे भी मोरली कतार दे विच होवां, उन्हां दी हाइपरनेसन सतमें समान ते होंदी है, उस चीज़ तो अपने आप नूं रोकना पैणा। हाँ ठीक है, समाज के संसार के नाल आ, हुण हड़ आया आ, सारी दुनिया च आ गया, मेरे कल्ले ते ठंड होई आ, सारे कोहरा मेरे घर ते थोड़ा पिया। हाँ यह हो सकता भी मीह ज़्यादा पै गया, हड़ आ गया, जिहड़े घर थोड़ी उच्ची थां ते सी वह बच गए, जिहड़े नीवी थां ते सी भड़के नूं अर्थक्वेक आ गया, जिहड़े नीवी थां वाले बच गए, मेरा घर उच्ची थां ते सी थोड़ा ज़्यादा असर हो गया। कुदरत दे लई मैं धरती का धुरा नहीं है, कुछ इदां दी थां ते नहीं मैं बैठा आ, एडा इंपोर्टेंट नहीं है भी जिहड़ा जिहड़ा आले दुआले जो हुण सूरज घूम रहा है, धरती घूम रही है, ठीक है, मौसम बदल रहे, रुत्तां बदल रही, धरती जांदी सूरज दुआले अपने तीन तीन चार चार महीने के फर्क के नाल रुत्तां बदलदियां आ, ठीक है, वो अपने आप दे विच हो रहा है। मेरी होंद कोई इन्ना असर नहीं पा रही उहदे उत्ते, भी जे गर्मियां नूं मीह पै गया तां इस करके पै गया भी मैं अज मुंडे का ब्याह रखिया सी तो हुण मीह ने कहा भी नहीं नहीं इहनूं ब्याह नहीं करन देना, सी धरती ने कहा भी नहीं कोई गल नहीं मैं घूम के हुण दूजे पासे चल जाणा, भी भावें मैनूं बरसातां वाली थां ते चलना पै जाए जिथे रुत्त बरसातां वाली हुंदी आ, चार महीने पिछे चल जाणा मैं घूम के, पर यह ब्याह रोकना, इदां नहीं होया कुछ भी,
वो अपने आप दे उस स्पीड ना उस तरीके ना जा रही है, सारा कुछ उदा ही हो रहा है। ठीक है, जो जो इदा इदा सोचेंगे फिर शांत रहना शुरू कर दें। और जो किसी थान के उत्ते सू खराबी लगती है उदो कोशिश करिए करके दिखाइए। 2009 दे विच प्रोफेसर दर्शन सिंह ने जो सदन की गल की उदो इन्हों कहा न्यूजीलैंड दे विच जानी हो सकता 10 साल मैं इन्हों कहता सी, मैं क्या 15 लगन 20 लगन घट्टो घट्ट 50 गुरुद्वारे वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड न्यूजीलैंड के कल्ले कल्ले शहर च न्यूजीलैंड मैं क्या 10 गुरुद्वारे थानू असी जिथे मर्यादा अकाल तख्त की होवे प्रचारक आउंदे होण ठीक है प्रबंध अपना थोड़ा ट्रस्ट होवे बनिया जिंदी दुनिया थोड़े आले दुआले बंदे बथेरे थो प्रदर्शन करके तो बहुत बंदे जानते सी हुण उदों इन्हां नूं असी कहा सी वी $10 महीने दे जे कढ़ू एक मैंबर $100 साल का बनना 5 साल का वादा लै लो लख मैंबर बना के ठीक है एक सौ लख मतलब $1 करोड़ तुसी साल का लख मैंबर कोई बहुता नहीं है करना इन्हां बंदियां नूं उदों नेरी कितनी बुरी तरह झुली हुई सी हुण इदां दे भी बंदे सीगे असी इन्हां नूं कहिंदे सी असी जे साल का $100 देने की गल होगी तो असी बाकी काम करते हुए भी $1,000 असी कट सकते हैं मतलब 10 मैंबर हो गए तो लख जे और जो तुसी ए अप्रोच करनी सी किसी नूं ए कहना सी प्रोफेसर दर्शन सिंह वर्गे बंदे ने ठीक है ए कहना सी वे 5 साल भरोसा करो साढ़े ते 5 साल तुहानूं 5 सालां च रिजल्ट दे के दिखाला लंबा चौड़ा ट्रस्ट ना हुंदा तनखाहां ना हुंदियां इंटरनेट फेसबुक इन्हां नूं वैबसाइट की गल हुई सी पे उहदे ते करके सवाल जवाब जिहड़े हैगे 5 साल तो कोई सवाल नहीं ना तुहानूं पुछूगा सर और हरेक बंदा जिन्हें मैंबर बनना सी उहनूं भी इन्ना होना सी वी $500 ही आ यार जे बदलाव लियाउण की गल करते हैं असी जे इदां चाहुंदे वी क्रांति आवे जे मैं 500 दा कोई भरोसा कर सकदा डुब गया तां की होण लगा ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਟੱਬਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $5-7 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦਾ $1 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ 10-10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ 50 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ 50 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਗੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾ ਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ 50 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ 50 ਬਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਆ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੱਪ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਛੇਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ 50 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਝੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਥਾਕਾਰ ਰਾਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਸਾਲ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਕੁਛ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
पर साढ़े इन्ह जागरूकों के कोल कित्थे इन्ना पैसा इन्हें तो खाण इन्हें तो यह दियो सानू हर प्रचारक जी मैं गल करदा जो तुसी जाने तुसी हुण जे प्रचारक यह सोच के जावे भी मैं की कर सकदा इत्थे डेढ़ डेढ़ महीना भी कथाकार दो दो महीने भी कथाकार गुरुद्वारे च रहे मजा लिया कोई अपना तौलिया धोता होवे कोई कशहरा धोता होवे कोई कपड़ा धोता होवे कोई भांडा धोता होवे अपना यानी इदा नहीं है भाई उत्थों बेंच जिसे इदा लगा आ खाना लगा आ भी उत्थों थाली च भी लैके आना भी तो थाली लंगर छक के भी थाली किसी होर ने चकनी कमरे च दुध आना कमरे च आनी वह चक के जूठा गिलास किसी होर ने चक के ले जाना उन्हें तो हूँ जे 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 थलड़े लोग फिर देखा देखी लोग भी इदा दे सुखविंदर सिंह ददेहर 2013 की गल है जो उन्होंने गल धुंदे ना 2011 च मेरी गल हुई सी मैं कहा 45 मिनट तो बड़ा बोलने का सैशन ना रखा करो और उन 45 मिनट में भी थोड़ा जहा बंड ला ठीक है शब्द लेना आप एक अद्धा शब्द हो गुरबाणी तो छोटा एक अद्धी भाई गुरदास की कोई एग्जैम्पल आ ठीक है कोई थोड़ा वैसे अपनी परसनैलिटी डिवेलपमेंट के उत्ते एक अद्धा टॉपिक है वह लैके इदा का ददेहर ना गल हुई सी मैं कहा तुम आने कथा दे कदे कदे इदा इदा कर लिया करो भी इदा संगत बैठी आ तुम आए पाँच मिनट बैठ के भी साध संगत जी अज आप उठ के चलो अज लंगर बनाइए आप सफाई करिए अच्छा नाल तुरो तुर पैण अगलिया ने आप गुरुद्वारा साहब के बहरले पास सारे आप हथ मारीए अज अंदरों झाड़िए आप अज लो हफ्ते एक अद्धी बार इदा रख दियो जिदा असी पिटते हैं जिन्ना मसंदां दूजियां नूं करदे मिशरी कॉलेजां दे विच तुसी स्टूडेंटां नूं पुछ के देखो जिहड़े प्रोफेसर आ इन्हां दी अपनी हालत की उन्हां दी इंडिया दा एटीट्यूड ही है उही लै के हरेक बंदा गुरुद्वारे के अंदर जाता उन्हूं लगता भी इत्थे तां पता नहीं लोग किन्ने पैसे हुण जदों दूजे बारे सोचते हैं तो कहानी आती ना किसी ने धार्मिक स्थान के उत्ते अनाउंसमेंट की भी आप खाना बना दुध चाहिए सारे 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 बेनती है भी इदा उत्थे वड्डा भांडा पिया उहदे जाके आपो अपना लीटर लीटर दुध पा दिओ विचों एक जना सी वह कहिंदा भी बच्चे आ परिवार आ भी है नहीं खर्चे ज़्यादा आ दुध है नहीं चल मैं तो जवाब दे दिना घर वाली ने परिवार ने सलाह दी भी नहीं तू जवाब ना दे बुरा लगना आ अगले ने जां तेरे ते दया करूंगे तरस करूंगे फिर तेनों भैड़ा लगना जे तेनों मिणे मारन लग पै फिर तेनों भैड़ा लगना भी तू इदा कर चुप चपीता एक भांडा लै उत्ते ढक्कण दे विच उहदे पानी पा ला हुण डोलू आ कोई बाल्टी कुछ आ उहदे उत्ते लै लिया लीटर दा उत्ते ढक्कण दे लिया भी तू लै जा उत्थे जा के तू करी मत्था टेकी जिथे पई आ गागर भांडा पिया ढक्कण खोली चक के दाला दे उत्थे कड़ा उस वेले देखना किसी ने कहिंदा ठीक आ हो गया जदों कहिंदे शाम नूं उहनां ने भांडा देखिया तां सारा भांडा पानी दा भरिया हर एक जाने वाला यह सोच के गया कि सारे ने दुध पाया होना वो तो गागर भरी पई होनी है जिते 60-70-100 लीटर दुध का वो एक लीटर पानी जो पै गया तो कि पता लगना किदा कितने उस वेले मैं अख बचा के उल्टा दूंगा तो बाद जो थोड़ा किसी ने लभ लेना पछाण लेना कि दुध पतला हो गया दसो भी पानी किन पाया इदा तो होना ही नहीं हों 50-60-100 लीटर दे विच 2-4 लीटर पानी पै जाए नहीं पता लगता पर जे सारा ही पानी हो फिर पता लगता साड़ी मुश्किल ये आ कमेटी संगत प्रचारक हर एक जाने वाला ये सोच के बैठा भी मैं कोई नहीं 10 सेंट कोई गल नहीं जे मैं ना कोई जिम्मेवारी निभाई बाकी तो सारे करते हैं पर होंगे सारे इस तरीके यही सोच के क्यों